पीएम नरेंद्र मोदी आज सोमवार को वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी साल 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि इस साल से प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, लेकिन सिख समुदाय ने इसका जमकर विरोध कर दिया और पीएम मोदी पर यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने सिख समुदाय को अपमानित किया है। आपको बता दें कि यह आयोजन गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों के बलिदान को नमन करने के लिए किया गया। आज वीर बाल दिवस का पहला आयोजन था जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। कार्यक्रम दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ। सुबह 11 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में 3000 बच्चों ने मार्च निकाला। इसके अलावा बच्चों की ओर से ही शब्द कीर्तन किया गया। यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार विजेताओं का भी ऐलान किया। इसके अलावा पीएम ने इस खास मौके पर राष्ट्र को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में कहा कि शहीदी सप्ताह और वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणा जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की प्रकाष्ठा के समय आयु मायने नहीं रखती, या याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ओर मजहबी उन्माद और दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता, इन सब के बीच एक ओर लाखों की फौज और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर वीर साहबजादे या साहबजादे किसी से डरे नहीं, झुके नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा यह अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है, यह सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल 3 सदी पहले हुआ। एक और धार्मिक कट्टरता और उस कट्टरता में अंधी मुगल सल्तनत और एक और ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर सिख गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की शहादत को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और सिखों की शीर्ष संस्था SGPC ने वीर बाल दिवस नाम पर ऐतराज जताया है। SGPC प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने रविवार को सिख समुदाय से कहा कि वह इस दिन को वीर बाल दिवस की जगह साहिबजादे शहादत दिवस के रूप में मनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जनवरी में ऐलान किया था कि सिखों के 10वें गुरु के बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत के उपलक्ष्य में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। धामी ने कहा साहबजादों के शहादत दिवस को भारत सरकार की ओर से वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाना महान शहादत को कमतर करने की एक दुर्भावनापूर्ण साजिश है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में साहबजादों को श्रद्धांजलि देना चाहती है तो इस दिन को साहबजादे शहादत दिवस के रूप में मनाने में क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उत्तर से मुगलों को उखाड़ फेंकने के लिहाज से गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे अहम थे। धामी ने कहा कि इस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने को लेकर सरकार जिस तरह से अड़ी हुई है उससे यह साफ हो जाता है कि सिख विरोधी ताकतों के इशारे पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि SGPC ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संस्कृति मंत्री को एक पत्र भेजा था, लेकिन सरकार ने अब तक नाम में परिवर्तन नहीं किया। आपको बता दें कि औरंगजेब ने 1704 में आनंदपुर साहिब पर कब्जा कर लिया था। पूरे शहर में मुगल सेना घेरेबंदी किए खड़ी थी और सिख फौजों के सामने निकलने का रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि आनंदपुर के किले में घिरी सिख सेना के पास राशन तक नहीं पहुँच पा रहा था। गुरु गोविंद सिंह ने इसी दौरान आनंदपुर साहब का किला छोड़ दिया और निकल गए, लेकिन मुगलों ने अपना वादा तोड़ते हुए उनका पीछा किया। गुरु गोविंद सिंह अपने दोनों छोटे पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को छोड़कर गए थे, जिन्हें औरंगजेब के सेनापति नवाब वजीर खान ने अगवा कर लिया था। दोनों साहबजादों को सरहिंद ले जाया गया और उनसे बचने के लिए इस्लाम अपनाने को कहा। दोनों साहबजादों ने धर्म परिवर्तन करने के बजाय बलिदान की राह चुनी। कहा जाता है इससे इनकार करने पर औरंगजेब के नवाब ने दोनों साहबजादों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था। दोनों साहबजादों को जहां जिंदा चुनवाया गया था उस स्थान को अब फतेहगढ़ साहब के नाम से जाना जाता है। उस बलिदान की याद में ही केंद्र सरकार की ओर से वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान किया गया।